हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केले की फूल की पकौड़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और आज की ये मज़ेदार पकौड़े बनाना सीखें। तो फ्रेंड्स, आपके ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। यहाँ पे हम लेंगे केला का फूल। अब ये केला का फूल है, इसका ये वाला पार्ट हम हटा लेंगे और इसमें से सारे फूल को निकाल लेंगे। ये उसके फूल होते हैं। इसी तरह इसके अंदर और भी बहुत सारे फूल हैं। हम सारे इसके ऊपर वाला पार्ट को हटाकर सारे फूल को निकाल लेंगे और इनको साइड में रखेंगे। और मैं आगे बताऊंगी आपको इसमें से कौन से पार्ट हटाना है। तो आइए मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर जो ये माचिस की तीली की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको हटाना है। ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती है, इसको हम अलग हटा लेंगे। और इसके आगे जो ये वाला पार्ट, इसको भी हटाएंगे, ये भी बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती है। ये दोनों अगर नहीं हटाएंगे तो ये बहुत कड़वा लगती हैं। और इसी तरह सारे फूल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फूल में से ये कड़वा वाला पार्ट हटा दिया हूँ और इनको आप देख सकते हैं, सारे फूल में से मैंने ये दोनों पार्ट हटा दिया हूँ। अभी हम इनको साइड में रखेंगे। और यहाँ पे ये हमारा पकौड़े बनाने के लिए फूल बिल्कुल तैयार है। अब इन फूलों में से आप पकौड़े भी बना सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं आलू के साथ। तो यहाँ पे मैंने दोनों बनाऊंगी, सब्जी भी और आलू पकौड़े भी। तो इसीलिए मैंने पकौड़े बनाने के लिए आधे फूल एक बाउल में लिया हूँ और 4 चम्मच बेसन लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच लेंगे हम अरारोट का पाउडर। अगर आपके पास अरारोट का पाउडर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, 1.5 चम्मच। अभी हम लेंगे सारे सूखे मसाले। यहाँ पे लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच नमक लेंगे और इन सारे सूखे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाला। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी हम इनको साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रखा था और ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1-2 फूल डाल दिया है। तो ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अभी हम और फूल डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करते टाइम हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और इनको 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं 2-3 मिनट में और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और यहाँ पर अच्छे से ये सेक कर तैयार हो चुके हैं और ये खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सारे पकौड़े को हम फ्राई कर लेंगे और इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और ये यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े को फ्राई कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये कुरकुरे बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये अब मीठी लाल चटनी, हरे धनिया की चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीठी लाल चटनी लिया हूँ और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।